सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइटर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रूल्स जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। 7 सक्सेसफुल बिजनेस रूल्स हैं जो मैं आपको 1 by 1 करके इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो एक सबसे पहले फर्स्टली मैं बात करूँ तो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स को क्या है मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सक्सेस के लिए बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी होता है। इन रूल्स को जानना सक्सेस के लिए बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्स्टली बात करूँ, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है मेरा, अपने बिजनेस के राज को ना खोलें। कभी भी अपने बिजनेस के राज को खोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस को डुबोने से बचा सकते हैं। रावण कभी ना मरता यदि भविष्य ने उसका राज नहीं खोला होता। दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनी कोका कोला में कोका बनाने का फार्मूला कंपनी में सिर्फ 2 लोगों को पता है। इस कारण दूसरी कोल्ड ड्रिंक में उसके जैसा स्वाद नहीं आता। यदि आप अपने आसपास भी देखें किसी हलवाई की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, जबकि उसी प्रकार की मिठाई बाजार में ढेर लगा रहता है जिसका स्वाद उसके जैसा नहीं होता। दूसरा मेरा पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाएं, लेकिन जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जोड़ें, लेकिन ध्यान रखें आप पुराने और जो रेगुलर ग्राहक हैं उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अक्सर ऐसा होता है नए ग्राहक जोड़ने के चक्कर में हम पुराने ग्राहकों पर ध्यान नहीं देते और पुराने ग्राहक इस चीज़ को क्या भांप लेते हैं, जिसका असर आपकी बिक्री पर पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली कई व्यवसायी ये भी नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें ज़्यादा नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने के बजाय ग्राहक प्रतिधारण यानी कस्टमर रिटेंशन पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट नए ग्राहकों को प्राप्त करने में मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने की तुलना में 5 गुना अधिक खर्च होता है। इसके अलावा वफादार ग्राहक बेहद लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें हमेशा बचाने की संभावना रखते हैं। इसलिए एक प्रभावी ग्राहक प्रतिधारण यानी कि कस्टमर रिटेंशन रणनीति चुनने के आपके राजस्व पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा ग्राहक प्रतिधारण रणनीतियाँ व्यवसायों को ऐसे ग्राहकों के जुड़ने में मदद करती है जो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अपने पसंदीदा ब्रांडों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये ध्यान रखें कि खरीदारी करते वक्त अपने ग्राहक के साथ अच्छे संबंध समाप्त ना हो। तीसरा जो मेरा पॉइंट है, मार्केटिंग 0 से करें। बिजनेस मैनेजमेंट जो है हमेशा क्या है, तो हमको 0 से शुरू करना चाहिए। बिजनेस को एक्सपेंड यानी बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए, पहुंच बनाने के लिए मुझे मार्केटिंग जो मेरा है वो सबसे बड़ा जरिया होता है। तो ग्राहकों की ज़रूरतों का अध्ययन करते हुए आप अपनी मार्केटिंग प्लानिंग को प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग पर करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। सोशल मीडिया लगातार बिजनेस के सभी सेक्टर के लिए मार्केटिंग करने का अहम टूल बन गया है। चौथा पॉइंट है, निजी जीवन को व्यावसायिक जीवन से ना जोड़ें। व्यक्तिगत जीवन को व्यावसायिक जीवन से अलग रखें। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और सभी के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता। इसलिए यदि आप बिजनेस में नए हैं और अपने व्यवसायों का विस्तार ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको किसी के साथ सबसे अच्छे दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसे कर्मचारी और पार्टनर होंगे जिससे आप हर दिन मिलते होंगे, लेकिन दिन के अंत में हर कोई नौकरी करने के लिए होता है, ना कि समाजीकरण करने के लिए। अगर आपके और किसी कर्मचारी के बीच कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसे ऐसे ही निपटारा करें, इसे अपना निजी मुद्दा नहीं बनाएं। इसी तरह अगर उनके काम में कोई समस्या है तो आप उनके बारे में बात करें तो इसे अपना निजी मामला ना बनाएं। 5th पॉइंट है, एम्प्लॉय हायर करते समय ध्यान रखें। क्या याद ध्यान रखना, जब हमने एम्प्लॉय को हायर करना है, बिजनेस में आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव हायर कर सकते हैं। एम्प्लॉयर या एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनका हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है। जैसे एम्प्लॉय आपके बिजनेस के नीचे आपको ध्यान से रख कर चुनना है मुझे उनको। एक
जो एक मेहनती हो, कुशल हो, व्यवहारिक हो, उसमें क्या रचनात्मक क्रिएटिविटी हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह जानता हो। अपनी कंपनी या बिजनेस के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करते समय हमें अतिरिक्त स्मार्ट होने की आवश्यकता है। कम योग्यता वाले लेकिन काम के प्रति सही दृष्टिकोण रखने वाले प्रभावशाली और मेहनती लोगों को काम पर रखने का विचार करें। एक्सपर्ट ये भी सलाह देते हैं कि इमोशनल होकर एम्प्लॉयर हायर ना करें। कभी भी अपने सगे संबंधी रिश्तेदार किसी मित्र को काम पर नहीं रखें। भविष्य में इसके साथ आपसी मनमुटाव या अनबन होने पर आपको और आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। 6 पॉइंट मेरा है, प्रशंसा एवं प्रेरित करें बिजनेस में सफलता के लिए जरूरी है। इस दुनिया में सबसे बुरा बॉस वो होता है जो अपने एम्प्लॉयर को कभी प्रशंसा नहीं करता। कुछ लोग दूसरों की प्रशंसा करने में कंजूसी करते हैं, उनका ईगो उन्हें यह करने नहीं देता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एम्प्लॉय की काबिलियत को निखारने पर उसकी प्रशंसा करें। ऐसा करने से एम्प्लॉय के काम में क्षमता और गुणवत्ता बढ़ती है। किसी बिजनेस या स्टार्टअप की सफलता जितना आइडिया और कॉन्सेप्ट पर निर्भर करती है, उतना ही एम्प्लॉयज़ की मेहनत का भी योगदान होता है। आप ये देखिए कि आप एम्प्लॉय का काम के प्रति इंटरनेट किस प्रकार बना सकते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहित करें। ऑफिस किसी एम्प्लॉय के अच्छे काम करने पर या अतिरिक्त काम करने पर उसका प्रोत्साहन करें। हमेशा याद रखें कि प्रोत्साहन ही अच्छे काम को सर्वश्रेष्ठ अंजाम तक पहुंचा सकता है। मेरा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है 7वां, रिवेंट करें। एक बार जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाए, तब आपको उन चीज़ों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्हें आप ज़रूरी समझते हैं। ये बिजनेस को अपग्रेड या रिन्वेंट करने का एक तरीका है, जो ग्राहक को हमेशा कुछ नयापन या नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप अपने वित्त का कुछ 2% या 5% या 10% हर साल अपने बिजनेस को रिवेंट करने में लगा सकते हैं। इसके परिणाम आपको आश्चर्यजनक लाभ दे सकते हैं। यदि आप में कड़ी मेहनत, सीखने की लालसा और समर्पण भाव है, तो आप उस मंजिल तक पहुँच कर रहेंगे जहाँ की आप कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, आई होप मेरा ये आर्टिकल, ये मेरी ये जो मैंने आप लोगों के सामने ये बिजनेस टिप्स रखे हैं, आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बिजनेस टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे बिजनेस टिप्स आपको कैसे लग रहे हैं। एंड प्लीज़ लाइक से एंड सपोर्ट माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का सहयोग से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, तहे दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।